ढोल ताशे नगाड़ों की गूंज के साथ आम आदमी पार्टी दहिसर ने अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रीति शर्मा मेनन जी अपनी पूरी टीम के साथ वहां मौजूद थी और वहां के बस्ती जो सुलम बस्ती है वहां के लोगों ने जिस तरीके से पूरी टीम का स्वागत किया वो देखने लायक था। वहां के बस्ती के लोग, वहां की महिलाएं, वहां के बच्चे सारे और बहुत उन्होंने खुशी के साथ स्वागत किया, ये देखते बनता था। और ये नजारा ये साबित करता है कि आम आदमी पार्टी अपने पूरे जोश और खराश के साथ इस चुनाव में, बीएमसी चुनाव में उतरने जा रही है। और यहाँ के लोगों के लिए जो ये त्रस्त हो चुके हैं भ्रष्टाचार से, महंगाई से, बेरोजगारी से, उन जो तकलीफों से लोग गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों में अब आम आदमी पार्टी के प्रति एक विश्वास जगता हुआ दिख रहा है। एक तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती जा रही है और ये आने वाले समय में पता चलेगा कि ये आम आदमी पार्टी यहाँ महाराष्ट्र में किस तरीके से लोगों के लिए एक उभरती हुई तीसरे विकल्प के रूप में सच साबित होती है और लोगों की उस तरह की मदद कर पाती है जैसी दिल्ली में हुई है। तो आइए देखिए लाइव उद्घाटन दहिसर विधानसभा से आम आदमी। हम इनका आप सब लोग की तरफ से स्वागत करते हैं। युवा शक्ति है, भारत की जो युवा शक्ति है वही सबसे बड़ी शक्ति है। हम पवन शर्मा जी का स्वागत कर उनसे यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ के जितने भी युवक है उनको वो इतना प्रेरित करें कि हम आम आदमी पार्टी को यहाँ से जीत कर आगे लेके जाए। यहाँ से हमारी नगर से इनका जीतकर आए, ये युवा उसे जिताएगा। पवन शर्मा जी का स्वागत है। लॉकडाउन का समय है, पैंडेमिक का समय है, तो सबसे पहले मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप अपने मास्क पहने रखें और दूरी बनाए रखें। यही हमारे लिए सबसे जरूरी है, आपकी सेहत के लिए, आपके जिनके परिवार वाले आते हैं उनकी सेहत के लिए। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे आके। बहुत समय से इंतजार था कि आप मुझे बुलाओ, आपकी देर कर दी। मैं तो रुकी हुई थी कि आप मुझे बुलाओ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी बहन बबीता का परिवार इतना अच्छा प्रचार करेगा और इतनी अच्छी तरह से
इस जगह में लोगों के कामकाज करेगा कि एक ना एक दिन यहाँ पे मुझे आना ही है, मुझे यहाँ पे काम करने का मौका बबीता देंगी, उनके बेटे देंगे, ये पूरा परिवार। मैं इनको करीबन अभी 8-10 साल हो गए जानती हूँ। ऐसा एक दिन नहीं है जब ये समाज की सेवा में नहीं होते हैं, ऐसा एक आंदोलन नहीं है जब राजन भाई बबीता यहाँ पे मौजूद नहीं होते, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े नहीं होते। चाहे आजाद मैदान में हो आंदोलन या कहीं दूर दराज आरे के जंगल में, ये हमेशा हमारे साथ होते हैं। मुंबई करो की आवाज बुलंद करने के लिए ये आगे खड़े रहते हैं। आज मौका मिला है कि आम आदमी पार्टी बीएमपी चुनाव लड़ेगी। आपने दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के बारे में सुना है? वहाँ पे बिजली का बिल आता है? नहीं। वहाँ पे पानी का बिल आता है? नहीं। वहाँ पे स्कूल में पैसे देते हैं? नहीं। वहाँ पे आप इलाज के पैसे देते हो? नहीं। दिल्ली में आज ऐसा राम राज्य है कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे, मेरा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मुफ्त होता है। दिल्ली सरकार पैसे देती है, जो फरिश्ता मुझे उठा के ले जाएगा अस्पताल में उसको इनाम देती है, और मेरा इलाज चाहे 5 लाख हो, 10 लाख हो, 30 लाख हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, फ्री होता है। हर किलोमीटर में मोहल्ला क्लिनिक बनी हुई है, एयर कंडीशन क्लिनिक, कभी आपने यहाँ क्लिनिक देखी है सरकारी? दिल्ली सरकार ने हर किलोमीटर पे क्लिनिक बनाई है जहाँ पे इलाज फ्री, 200 टेस्ट फ्री और आपकी सारी दवाइयाँ फ्री। ऑटोमेटिक मशीन से धड़ दवाइयाँ आपकी गिरती है, यहाँ कमीशन से बात करते हैं हम। जहाँ पे भी आप मोबाइल का बिल भरते हो, गैस भरते हो, जो लेते हो, हर चीज में टैक्स कर करके हमसे टैक्स लूट के ये अपने मेट्रो बनाते हैं, अपने एयरपोर्ट बनाते हैं, अपने फ्लाईओवर बनाते हैं और सड़कें और सुवर भूल जाते हैं। ये बदलना होगा, आप सबको बदलना होगा। ये मेरी बहन बबीता ने आज यहाँ ऑफिस खोला है, इसको आप अपना ऑफिस समझो, अपना कार्यालय समझो और यहाँ पे हर रोज आओ, यहाँ के मसले उठाओ, उनको सॉल्व करो, एक दूसरे से कंधा मिला के खड़े रहो। कौन है जो हमारी नहीं सुनेगा? आम आदमी की आवाज सबसे बुलंद आवाज होती है, इसलिए बस यही पे मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आप सबको बोलूंगी, मेरे साथ बोले शिवाजी महाराज अंसार, बाबा साहेब अम्बेडकर अंसार। अपनी खुद की लड़ाई खुद से लड़ना है, आप लोगों को खुद को निकलना है बाहर भी। जब तक आप लोग नहीं निकलेंगे, जब तक आप लोग नहीं निकलेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर किसी को नेता बना के नहीं बैठाना है, हमको नेता नहीं बनाना है, अपने आम आदमी बना और अपने हक के लिए बाहर निकलना। वहाँ के आम लोगों में आम आदमी पार्टी के लिए काफी उत्साह दिखा, वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़े। एमबी न्यूज के लिए मैं राजेश शर्मा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।